क्या ये आपके रिलेटिव्स थे? हाँ जी। आई एम सॉरी, हमने कोशिश की लेकिन आप ऑफिस जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। जी। गुड्डू भैया, भैया गुड्डू भैया, डॉक्टर पेशेंट को होश आ रहे हैं। ओके फाइन। एक्सक्यूज मी, आप लोग इनके रिश्तेदार हैं? जी। ओह आई एम रियली सॉरी। घबराइए नहीं, इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, हल्के घाव हैं, हमने बैंडेज कर दिया है। एक फाइनल चेकअप के बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। आप लोग आइए मेरे साथ। नहीं चलत है जो तुम्हारी जिंदगी चल रही है, इका मतलब कि दुई पहिया पे चल रही। देखा बिटिया, जोन तकलीफ है ना, खुदा ही दूर करो। पी रखी थी तो मोटरसाइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? जिंदगी से बढ़कर कुछ है क्या? चलिए भैया, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम इस पे जाएंगे,
साला बाबा हर्षवर्धन का सिंहासन है क्या जो चाहेंगे हम इस पे? साला 22 नजर आ रहे हैं तुम कौन जो साला व्हील चेयर पे जाएंगे? ले जाओ इसको हमारे सामने से। ये क्या बात हुई? व्हील चेयर पे बैठने से कोई अपाहिज हो जाता है क्या? आपकी आदत है हर बात को तूल देने की। 2-3 दिन की बात है, फिर तो आप खुद ही चलने लगेंगे। रुकन, इनसे कह दो कि हमसे बात ना करें। हमें इनसे बात नहीं करनी है। भैया, हमारे ख्याल से भाभी ठीक ही कह रही है। आपका घुटना अभी सही नहीं हुआ है और जो डॉक्टर ने जोड़ तोड़ किया है, अगर ज़्यादा चढ़ेंगे उतरेंगे तो सब बाहर आ जाएगा। अब आप तो जानते भैया, वो 3 दिन की बीमारी, 30 दिन का महायुद्ध हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अभी तुम्हारी बात मान भी ले तो साला सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे बताओ? हमने अम्मा से बात कर ली है, आप उनके कमरे में ठहरिएगा। हमने कहा एक बार भी कि हम पांडे निवास में रहेंगे। हम साल अपने वो पुराने कमरे में रहेंगे हम जाके। लेकिन भैया, वहाँ कैसे रुकेंगे? हम आपको कैसे संभालेंगे? और फिर आप वहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे भैया? एक्सक्यूज मी, हेलो, हाउ आर यू? ठीक है। हाँ मिस्टर शुक्ला, ये दवाइयाँ देनी है इनको। खून बहुत बह गया है, इसलिए इन पे खास ध्यान दीजिए। अभी 3-4 रोज चलने फिरने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, हम ख्याल रखेंगे। टेक केयर। लेकिन हमारी बात तो सुनते जाओ यार। भैया लेकिन वेकिन छोड़िए, अभी हमारे साथ चलिए। भला डॉक्टर साहब कुछ भी करे, हमने फैसला कर लिया, हम अपने पैरों पर चलेंगे। किसी को सहारा देना हो तो दे, नहीं देना हो तो ना दे। सलाह हम उठेंगे और हम चलेंगे। भगवान का कृपा है, बड़ी विपत्ति से बचाए लिए। चलो चलो, अंदर नहीं चलो, संभाल के।
था ना गुड्डू शुक्ला कभी बदले थे, ना कभी बदले हैं और ना हम कभी बदलेंगे। एक अच्छा इंसान बना के ही रहेंगे अभी 30 दिनों के भीतर। देखिए हम लीजिए भैया फल लेके हैं आपके लिए ताजे ताजे। चंबो जी भैया खाना खिला जी। तो काफी ठीक है ये। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस दवाइयां लेते रहिए और हाँ थोड़ा चला फिरा कीजिए, इससे आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। और आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है इनका, बस थोड़े दिन और फिर ये अच्छे से चलने फिरने लगेंगे। चलिए मैं आपको छोड़ूं। मन के लिए नहीं दे रहे, ताकत के लिए दे रहे। पी लीजिए। नंगे पाँव मत चलिएगा, कांच के टुकड़े अगर रह गए होंगे तो चुप जाएंगे। क्या कर रहे हैं भैया? भाभी आपकी सेवा कर रही है और आप दंड पे दंड दिए जा रहे हैं, ये तो अन्याय है ना भैया। हम जहां तक अपने गुड्डू भैया को जानते हैं कभी अन्याय नहीं करते थे,
और ना कभी अन्याय होते देख सकते थे। क्या सोच रहे भैया? यही ना कि आप भाभी के साथ ऐसा करेंगे और भाभी आपकी सेवा करना बंद कर देंगे। नहीं भैया, भाभी आपसे गुस्सा है और भैया गुस्सा तो अपनों से ही किया जाता है ना, और जब अपने तकलीफ में होते हैं तो वही लोग सेवा भी करते हैं। भाभी इसीलिए आपसे गुस्सा और आपकी सेवा भी कर रही है। भैया भाभी को इस तरह कठोर दंड मत दीजिए। भाभी जो भी कर रही है आपके लिए वो पवित्र मन से कर रही है भैया, वो हमें कोनो लाग लपेट नहीं है, सब सच्चे मन से कर रही है। भैया आप नहीं होते तो हम पता नहीं ये सब कैसे करते। आपने बहुत मदद की। गुड्डू भैया ने हमारे लिए कहा नहीं किया, इतना तो उनके लिए हमें करना ही था, लेकिन भाभी आपने जो उनके लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। गुड्डू भैया आपके साथ खराब व्यवहार करते रहे, लेकिन आप इतना त्याग, इतनी सेवा। भाभी हमें पता है कि उस रात वाली घटना के बाद अब बहुत चिंतित और परेशान है, दारू पी के बेहुदा लड़कियों के साथ नाच गाना कर रहे थे। लेकिन एक बात कहें भाभी, कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो हम देखते हैं ना वो सही नहीं होता। भाभी भैया ऊपर से जितना सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम, एकदम नारियल जैसे। अच्छा अब हम चलते हैं भाभी।